सब क्लास 186 और सब क्लास 494, ये दोनों में कुछ इक्वालिटीज हैं, कुछ डिफरेंसेस हैं। आज के वीडियो में जानते हैं दोनों के डिफरेंसेस और इक्वालिटीज। तो पहले जानते हैं इक्वालिटीज क्या है। सो फर्स्ट वन, दोनों वीजा के लिए आपको स्किल असेसमेंट चाहिए, यस। दोनों वीजा के लिए आपको 6 ईच मतलब की कॉम्पिटेंट इंग्लिश चाहिए, यस। दोनों वीजा के लिए आपको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, यस। दोनों वीजा के लिए आपको एम्प्लॉयर चाहिए जो आपको स्पॉन्सर कर पाए, यस। तो ये 4 कॉमन चीजें हैं जो आपको 186 और 494 में करनी पड़ेगी। अब डिफरेंस क्या है कि 186 के लिए आपका एम्प्लॉयर ऑस्ट्रेलिया में कहीं भी होगा तो चलेगा, लेकिन 494 के लिए आपका एम्प्लॉयर सिर्फ और सिर्फ रीजनल ऑस्ट्रेलिया में होना चाहिए। दूसरा, आपको 186 के लिए RCB का अप्रूवल नहीं देना पड़ेगा, जबकि 494 वीजा करने जाओगे तो RCB का अप्रूवल लेना पड़ेगा। तीसरा डिफरेंस, अगर आप 186 में जाते हो तो ऑक्यूपेशन का लिस्ट बहुत ही लिमिटेड होता है, काफ़ी कम ऑक्यूपेशन होते हैं जो 186 डायरेक्ट एंट्री के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, लेकिन 494 में बतेरे ऑक्यूपेशन हैं जो सारे एलिजिबल हैं और जिनका काफ़ी अच्छी तरह से 494 हो सकता है। सो अगर आपका ऑक्यूपेशन 186 के लिस्ट में है तो प्लीज़ 186 के लिए जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपका ऑक्यूपेशन 186 के लिस्ट में नहीं है और अगर आपको एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा में जाना है तो 494 एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर इस वीडियो से आपको वैल्यू मिला है तो इसको लाइक और सेव कर दीजिएगा, तो आपको या आपके फैमिली या फ्रेंड्स को किसी को काम आएगा बाद में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम है कृणाल नायक, रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट फ्रॉम ग्रोमोर इमिग्रेशन, और मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।